हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सही हो और सब अच्छे हैं। अभी भी जो है कोरोना का हालत जो है अभी कंट्रोल में है, बट पूरी तरह से नहीं गया है, जिसकी वजह से क्या कि अभी 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, याद रखना, आपको भी उचित मेंटेन करना है। तो अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, मुझे एक जगह पे जाना था। एक्चुअली क्या आप लोगों को पता ही होगा कि दो तीन दिन से दिल्ली और NCR में झमाझम बारिश हुई है, और जिसके वजह से जो नॉर्मली वाटर लॉगिंग है वो तो हर जगह जगह पे आपको भी दिखा होगा, या तो आप लोगों को न्यूज़ में मिला ही होगा। हालांकि मैं 2 दिन पहले बाहर निकलने की कोशिश तो करी थी लेकिन निकल नहीं पाया, कि जब ये सारे न्यूज़ आने लगा ना, जितने भी आपके यहाँ पे दिल्ली और NCR में मैक्सिमम जगह पे जहाँ पे सबवे है, अंडरपास है, सारे लबालब पानी से बिल्कुल भर गया था। देख के आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलने वाला था कि क्या आप तालाब के सामने या स्विमिंग पूल के सामने खड़े हो, या तो आप रोड के ऊपर से जा रहे हो। सच में बिल्कुल सब कहीं पे भी अंडरपास कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि आप अपना गाड़ी छोड़ के सिर्फ या तो आप नाव की सवारी कर लो या तो रबर बोट के सहारे आप निकलो। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये काफ़ी सारे मैसेज भी किए हैं और रिक्वेस्ट भी किया है कि अभी जो दिल्ली और NCR में जो बारिश हुई है उसके बाद अभी हालात क्या है वो दिखाने के लिए, वो बताने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा, तो हालांकि थोड़ा सा सोच समझ के मैं निकला हूँ, मुझे पता नहीं आगे जाके क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि अभी तो चारों तरफ सूखा मिल ही रहा है, बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू लॉट ऑफ प्लेसेस, दी करेंट सिचुएशंस एंड द रोड कंडीशंस। तो अभी मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी ज्वाइन करने वाले हैं मेरे साथ, तो थोड़ी देर में चलिए आपको घुमा के लेके आ चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कंडीशंस हैं बारिश के बाद, रोड का कंडीशंस क्या है वो दिखाने के लिए। चलते हैं, फिर देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बोल रहा था कि जो मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हैं, तो चलिए मैं इनसे आपको मिलाता हूँ। ये है जो अभी मेरे साथ ज्वाइन करने। हाय फ्रेंड्स, तो इनको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। तो मैंने आज बड़ी मुश्किल से इसका टाइम मुझे मिला है, तो मैं इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ आए हैं, ठीक है। और चलते चलते हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और देखेंगे, मस्ती भी होगा कुछ, आज जो अभी दिल्ली गुड़गांव का काफ़ी जो अभी करेंट लोकेशंस क्या है, जो भी है, जो भी सिचुएशंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो चलते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। छोड़ के गुड़गांव जा रहा है, अभी कुछ देर बाद ही बॉर्डर आएगा, देखते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
कच्चा था, कच्चा था और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उस जगह पे जो गली है ना, गली ना, उस साइड से काफी ज्यादा पानी की वजह से गीला मिट्टी भर गया था उस एरिया में, थोड़ा दिक्कत। अदरवाइज जहाँ पे मतलब पक्की सड़कें बनी हुई है वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ है। अभी हम लोग एक बार फिर से फ्लाईओवर पे है, फ्लाईओवर उतर के ही हम लोग जो टोल प्लाजा था जो आपको मैंने पहले बता रखा था, वो टोल प्लाजा अभी खत्म हो गया है। पहले वन ऑफ द बिगेस्ट टोल प्लाजा हुआ करता था, ये अभी भी है, प्लाजा है अभी, टोल प्लाजा सामने ही है, थोड़ा अभी वॉकिंग में नहीं है ये, क्योंकि ये हटके यहाँ से फिर चला गया कम्बाइंडो के मानेसर में। देखा जाए इसका तो हटा दिया गया है, पर चार्जेस में कोई कमी नहीं है वहाँ पे। एक सिंगल गाड़ी का चार्जेस 140 रुपये दोस्तों बहुत ज्यादा है। मुझे पता नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या कॉम्बिनेशन है यहाँ पे टोल जो लोग कलेक्ट करते हैं उनकी एजेंसी के साथ। एक प्राइवेट व्हीकल का आप सोचो 140 रुपये, वो भी वन साइड, दिस इज टू मच। अभी सामने आपके ये एम्बियंस मॉल आने वाला है, ये सामने एम्बियंस मॉल, गुड़गांव का एम्बियंस मॉल है, तो इसके सामने से हम लोग चलेंगे। और आपका था लीला होटल भी है पे, सबसे फाइव स्टार, सबसे और यहाँ पे मुझे लगता है सबसे बड़ा, बहुत बड़ा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप पूरा कॉम्प्लेक्स एरिया है, पूरा कॉम्प्लेक्स एरिया है पूरा। और ये मतलब कि आपको अगर आप ढंग से देखोगे आपको पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। सबसे अच्छी जगह ही है आई थिंक। हाँ और बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा, रात के आओ रात का तो नजारा ही बिल्कुल अलग है। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह ऐसी हो जाती है ना तो आपको लगेगा कि आप एक बाहर ही हो, जो आपको पहले बोला था। ये देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, सारे ऑफिशियल बिल्डिंग है ये सारे, मेनली ऑल एमएनसीज बैंकिंग वगैरह जितने भी है ना सब यही पे है। और डीएलएफ का सारे डीएलएफ है, सारे एक से एक बिल्डिंग डीएलएफ का है। यहाँ पे जब बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं ना यहाँ पे जरूर एक बार आते हैं, तो आना चाहिए भी। हाँ सही बात है, ये आप बोल सकते हो कि गुड़गांव का शान है, तो डेफिनेटली हर एक को देखना भी चाहिए। देखिए आप बिल्डिंग देखिए, लगे हुए हैं उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड चैटर्ड जो बैंक है सबसे यही पे है। सबसे बड़ी बात अब मौसम देखिए, बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत अच्छा मौसम है, कूल है, वही आपको बोलने वाला था, ज्यादा गर्मी नहीं है। और ये आज ऊपर बादल भी दिख रहा है आपको, एकदम मौसम तो बिल्कुल एकदम मस्त हो रहा है, एकदम झकास है झकास। लोग बोलते हैं कि दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी तो है ही बहुत ज्यादा है दिल्ली में गर्मी, सच बोलूं तो बहुत ज्यादा है, पर मौसम भी उतना ही अच्छा है शाम के बाद। गर्मी के टाइम तो गर्मी होना चाहिए, ये नेचुरली होता है।
आप ठंड के टाइम पे भी देखो जैसे आपको मुझे लगता है कि शिकायत के अलावा आपको उस गर्मी का टाइम पे भी आपको मजा लेना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। वैसे भी ठंड के टाइम पे फेज 2 का मेट्रो है, डीएलएफ फेज 2 का मेट्रो है ये, आप मेट्रो से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मेट्रो है। ये गाड़िया शायद आज अंदर अंडरपास जा रही है, इसका मतलब अंडरपास जो है वो क्लियर किया है ना। चले फिर चले चलिए हम लोग घूमने के लिए। हम लोगों को भी पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, हम लोगों को भी पता नहीं है। आज छुट्टी मिला तो बोला चलो, हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। इतनी सारी गाड़ियां जा रही है, मान लो कहीं प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम सबके साथ ही होने वाला होगा। हाँ, सबके साथ ही होगा। तो हम भी देखो चल रहे हैं, देखते हैं। चला रहा है। स्पीड बहुत मैटर करता है इस रास्ता में, आप 60 के ऊपर मतलब फाइन कंफर्म। अभी अभी क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा ना कि कहाँ पे कौन से एरिया में जो कैमरा लगे हुए हैं, आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। स्पीड लिमिट बहुत मैटर करता है, अब एक बार ज्यादा स्पीड में ये कर दिया तो बस आपका फाइन लग जाएगा। खत्म ही नहीं होने वाला है। एक से एक जितने आप देखते आओगे ना, ठीक है, आपको वही मिलेगा। इवन राइट हैंड साइड से भी आप देखो, चारों तरफ इस साइड पे भी देखिए तो देखिए। मैंने पहली बार आया हूँ इसमें, तो चलो देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं है। पहली बार नहीं आया हूँ। तो आप लोगों के लिए घुमा देते हैं ये वाला, आप सबको दिखाने के लिए ही आया हूँ हम लोग, तो देखते हैं अंदर क्या है। ठीक है, आ गया मॉल पे, कुछ नहीं हुआ मॉल के अंदर, कुछ नहीं है, मतलब नया नया बन रहा है शायद, तो देखते हैं, चलते बने रहे हमारे साथ। हम लोग मॉल से निकल गया क्योंकि
अभी लॉकडाउन के बाद नया नया मॉल स्टार्ट हुआ है, तो अंदर कुछ भी दुकान खुला नहीं है और कुछ भी नहीं है अंदर, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कोई फूड एंड बेवरेज का कोई दुकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा मॉल खाली है। ठीक है, तो इसलिए हम मॉल से निकल गया, देखते फिर दूसरा जगह कहाँ चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, अभी देखते थोड़ा सा यहाँ पे कॉफ़ी के लिए एक है। अच्छा अच्छा, तो लेट्स सी, देखते हैं फिर। ओके, अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के और दिखाएंगे इसका नज़ारा कितना प्यारा सा लगेगा आपको। और यहाँ पे हम जा रहे हैं किसी से मिलने के, क्योंकि आज हमें डिनर पे इनवाइट किया है, तो मेरा फ्रेंड को वो साथ में लेके वहीं पे चल रहा है। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे कितना शानदार है, तो उसके बाद आपके साथ थोड़ा सा एक दो मिनट बात करेंगे, क्योंकि पूरा दिन भर चलने के लिए उसके वजह से थकान भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है इसके साथ साथ, और टेम्परेचर हालांकि इतना ज़्यादा नहीं है बट है। और आपको और एक चीज दिखाएंगे कि रात को गुड़गांव सिटी कैसे लगते हैं। आप ये देखो, आप देखो लाइटिंग वगैरह से देखो यहाँ पे जो आपको मैं सुबह बता रहा था, आप देखा जा रहा उसको वहाँ पे, ये वाले सीन दिखाओ, आप देखो कितना प्यार से लगेगा, पूरा ये लगेगा कि आप देखो यहाँ पे, अब देखिए एक बार कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो मैं तो आपको सबको ये बताऊंगा कि आप अगर आप लोग कभी इस साइड में आते हो तो जरूर आना। ठीक है, तो हम आपको सफर कराएंगे यहाँ पे और इस चीज के बारे में जरूर बताएंगे। इसके अंदर साइबर सिटी के अंदर स्पेशली, ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा यू नो जहाँ पे आपको घूमने बैठने के लिए जगह है, वहाँ पे काफी सारा और भी शॉपिंग करने के लिए जगह है। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसको लेफ्ट को टर्न होता है, शायद ये रोड यहाँ से नहीं जाती है, वो क्या करती है यू टर्न लेके ना कहीं उसका बेसमेंट वाली रोड, जिसको हम उसको बोलते हैं कि सबवे है, वहां से जाके उसको गजब का रूट है, वहां पे आपको वैसे वहां पहुंच पाएंगे। बट बहुत अच्छा लोकेशन, शानदार लोकेशन है आपको। आप जब भी आइए हमारे साथ कॉन्टेक्ट करिए, हम घुमाएंगे। पर उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 एक सब्सक्राइब एक शेयर, अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड को भाई। अब ये तो हमारा हक बनता है। ठीक है, तो स्पेशली आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे आए, पूरी जगह आपको घुमाया। ठीक है, तो बनता है जरूर करना और बने रहे हमारे साथ। हाँ, देखते हैं इधर में क्या मिलता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग यहाँ पे अभी वीडियो करते हैं एंड। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो पे। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय बाय एंड बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।